हेलो दोस्तों, यह है क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर। चलिए इसमें क्वेश्चनों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, आई रिसीव्ड योर लेटर इन आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। हेयर रिसीव्ड मीन, तो यहाँ रिसीव्ड का मतलब क्या है? देखिए, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, गॉट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे इसमें बताना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड जू, तो जू का मतलब क्या है? तो ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कैप्ट, तो वह प्लेस जहाँ जानवरों को रखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल, तो निम्न में से कौन सा स्कूल से रिलेट नहीं करता है? तो एरोप्लेन इसमें सही हो जाएगा, एरोप्लेन ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला है महावीर फोगाट, ऐसे ही इसमें अगला है महावीर फोगाट एंड गीता फोगाट, खाली जगह, कैन बी अचीव्ड, तो इसमें क्या है? एवरीथिंग इसका सही हो जाएगा, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है मोहन इज स्टडिंग, खाली जगह, माई रूम, तो इसमें क्या हो जाएगा? कमरे के अंदर स्टडी की जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आवर कंट्री, खाली जगह, वाई द एनिमी लास्ट ईयर, तो लास्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनेट का होता है और इसमें बाई लग रहा है, बाई का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्टिव पैसिव का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो वॉज इन्वेडेड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है द टीनेट्स, खाली जगह, लिव्ड इन सराउंडिंग हाउसेज हैव लेफ्ट, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हु लिव्ड इन, जो कि रहती थी उसने घर छोड़ दिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे पास होता, तो ये पास्ट का है, तो इसका पास्ट में ही आएगा इसका आंसर, तो आई वुड हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई वुड। ऐसे ही नवा क्वेश्चन है सी, खाली जगह, टू स्कूल डेली, तो क्या है ये? डेली हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, गोज ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट, तो अपोजिट बताना है, फार का अपोजिट नियर होता है और क्वेश्चन का अपोजिट आंसर होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है राइट द प्लूरल, तो इसमें क्या है? बहुवचन बताने हैं, स्टोरी का स्टोरीज होता है, बाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। ऐसे ही बुक का क्या होता है? बुक्स, एस लग जाएगा इसमें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, तो इसमें क्या है? इसमें वन वर्ड बताने हैं, तो ए पर्सन हु टीच इन स्कूल, तो वह व्यक्ति जो क्या है स्कूलों में पढ़ाता है, तो स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर, तो इसका ऑप्शन टीचर सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, भूमि का टुकड़ा जो कि जल से घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? आईलैंड, आईलैंड कहते हैं, ISLAND। राइट द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर बताने हैं इसमें, तो मिसिंग लेटर क्या हो जाएगा? आइसलैंड, सॉरी एलिफेंट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? एलिफेंट, और ये क्या हो जाएगा? हार्ट, HARD। ऐसे ही मेक द न्यू वर्ड बताने हैं इसमें, हुड और शिप, हुड और शिप को क्या है? ऐड करके, तो चाइल्ड शिप नहीं होता है, चाइल्ड हुड होता है, चाइल्ड हुड का मतलब होता है बचपन। ऐसे ही सिटीजनशिप, सिटीजनशिप होता है ये, तो इसमें क्या है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें और दोबारा लिखना है, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है? मॉर्निंग, मॉर्निंग की स्पेलिंग ये नहीं होती है, MORNING होती है, तो ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। ऐसे ही क्या है ये? सेंड नहीं होता है, SAND होता है, क्या होता है? SAND, सेंड का मतलब होता है रेत। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स हेल्प ऑफ द बर्ड्स, तो क्या है? इन बर्ड्स की मदद से हमें क्या है? खाली जगह भरनी है, तो अमन एंड नमन आर क्लोज फ्रेंड, इसमें क्या हो जाएगा? क्लोज, क्लोज फ्रेंड हैं वो, और दे ऑलवेज, वे हमेशा क्या हैं? लंच को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है खाली जगह डिड मोहन सी द रेड लाइट, अब क्या है उसमें? अगर वह देखता, जैसे जैसे उसमें क्या है, जैसे जैसे उसने खाली जगह नहीं देखा, तो क्या है? नो सूनर, इसमें क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड मोहन सी,
ऐसे ही अगला है अगला है यू मस्ट कीप टू द लेफ्ट वाइल ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के समय हमेशा एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम क्या है ड्राइविंग के समय हमेशा लेफ्ट में रहें। तो क्या हो जाएगा? सो दैट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बतानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी जनरली, और जनरली हमेशा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा इसमें। टेक का क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है सी एक वचन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है चेंज द डिग्री। तो डिग्री चेंज करनी है इसमें। बुधराज इज द खाली जगह मैन। अब देखिए विशेषता बता रहा है, और विशेषता के लिए हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। टॉलेस्ट हो जाएगा इसका। और कंपेरिजन के लिए, तुलना के लिए कंपेरेटिव का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर हैं ये वाला। अगला है 23वां क्वेश्चन यूज द पंचुएशन मार्क्स। तो पंचुएशन मार्क्स यूज करने हैं, जैसे कोमा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, ये क्या है इनमें यूज करने हैं। तो व्हाट इज योर नेम, तो क्या है ये क्वेश्चन वाचक वाक्य है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क क्या है मिस है, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। ऐसे ही हर मदर। अब देखिए हर क्या है पहला लेटर है, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो एच क्या हो जाएगा? कैपिटल। ऐसे ही आर यू ए स्टूडेंट, तो इसमें भी पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है पैसेज है, ये पैसेज के आंसर बताने हैं। हु वाज गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट डे, अगली सुबह कौन जा रहा था। व्हाट डिड संगीता सी, संगीता ने क्या देखा। हु वाज द रेस्क्यू चाइल्ड का रेस्क्यू किसने किया। व्हाट वाज एवरीथिंग डूइंग, तो वहाँ क्या हो रहा था। ऐसे ही आंसर बताने हैं। ऐसे ही अगला पैसेज है, ये अगला पैसेज है आई लिव्ड इन दिल्ली विद माई पेरेंट्स। यहाँ आई किसके लिए रेफर किया है। ऐसे ही अगला है सी गेव मी सम ड्रेसेस, तो यहाँ सी किसके लिए आया है ये भी बताना है। ऐसे ही अगला है इसमें रीअरेंज करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है रीअरेंज करना है। तो देखिए इसमें पहले क्या आएगा, पहले इसमें आएगा आई एम सुनीता, ये पहले आएगा आई एम सुनीता, आई लिव इन दिल्ली विद माई पेरेंट्स। ऐसे ही फिर दोबारा आएगा आई वेंट टू रामपुर टू स्टे विद माई मैटरनल अंकल। ऐसे ही इसमें तीसरा आएगा माई फादर गेव मी सम मनी। ऐसे ही चौथा आएगा माई मदर पैक्ड माई लगेज। ऐसे ही पाँचवा आएगा ही वाज वेटिंग फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन। ऐसे ही लास्ट में आएगा आई सॉ माई अंकल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें इमेजिन यू आर अनुराग। तो इसमें क्या है ये लेटर लिखना है ड्यूरिंग लेट नाउट। ये क्या है ये लाउड स्पीकर, बैन द लाउड स्पीकर पे क्या है एक लेटर लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के लिए एक लेटर लिखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें यू आर मोहन, ए क्या है इसमें गॉट ए ग्रेड प्राप्त किए हैं आपने, तो इसमें क्या है कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर लिखना है इसमें। ऐसे ही अगला है यू आर ऑर्गनाइज एजुकेशन टूर, तो एजुकेशन टूर पे क्या है इसमें एक पैराग्राफ लिखना है। ऐसे ही अगला है राइट ए स्टोरी, तो इसमें क्या है स्टोरी लिखनी है, स्टोरी है ये क्या है ये लॉइन एंड माउस की क्या है ये स्टोरी है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें। धन्यवाद।